नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते होंगे, आज से ठीक 2 दिन पहले आईबी असिस्टेंट ऑफिसर की एक वैकेंसी स्टार्ट हुई है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड किया था, जिसके बाद बहुत सारे लोग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाउट आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे डीएम्स मुझे आ रहे हैं, बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आपके इन सभी डाउट्स को डिटेल के साथ क्लियर किया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और रियली में आपके काफी इंटरेस्टिंग डाउट भी है। तो मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को नोट डाउन किया हुआ है, जो कि इस वीडियो में आपके डिटेल के साथ क्लियर करूंगा, जिसमें काफी सारे लोगों ने पूछा कि एग्जाम डेट क्या है, एग्जैक्ट एग्जाम किस मंथ में हो सकता है। साथ ही काफी सारे लोग इन हैंड सैलरी में लेकर कंफ्यूज है कि इनिशियल सैलरी कितनी रहेगी और जो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है उसका क्या फंड है, वो भी आपको समझाऊंगा। साथ ही काफी सारे लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ पूछ रहे हैं कि टीयर फर्स्ट की क्या कट ऑफ थी, टीयर सेकंड की क्या कट ऑफ थी, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिमांड कर रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, बेफिक्र रहिए। एग्जाम सिलेबस की डिटेल मांग रही है, एग्जाम सिलेबस कंप्लीट टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही काफी सारे लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ लोग जॉब लोकेशन की, हमारी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, इंडिया में कहां कहां जॉब हमारी रह सकती है, पोस्टिंग कहां पर होगी, और काफी लोगों की डिमांड है कि भैया बेस्ट बुक तो बताइए, एग्जाम को क्रैक हम करना चाहते हैं तो किस बुक से प्रिपरेशन करें। तो चलिए आपके सभी डाउट्स को डिटेल के साथ क्लियर करता हूं। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर रियली में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम डेट के बारे में, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, काफी सारे लोगों ने यह क्वेश्चन पूछा है। फ्रेंड्स, आप तो जानते होंगे इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, 19 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए और साथ ही 9 जनवरी 2021 तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और इसके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एग्जाम आपका टेंटेटिवली फरवरी या फिर मार्च 2021 तक हो जाएगा। 2018 में लास्ट की वैकेंसी निकली थी, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जल्द ही इसका एग्जाम हो जाता है, प्रोसीजर अपना ठीक स्पीड से चलता है। तो आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस रखिए, ज्यादा टाइम एग्जाम में नहीं बचा है, फरवरी या फिर मार्च मंथ तक आपका एग्जाम हो जाएगा, तो जी जान से यार मेहनत करिए प्रिपरेशन के ऊपर। सेकंड डाउट है, सबसे बड़ा डाउट है कि इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, इनिशियल सैलरी क्या मिलेगी। नोटिफिकेशन में लिख तो रखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, स्पेशल सिक्योरिटी वगैरह भी लिखा हुआ है, और इनिशियल और फाइनल सैलरी का डाउट क्लियर करिए। देखिए फ्रेंड, जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये आईबी के अंदर एसी आईयू की पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। ये पोस्ट कंप्लीटली ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। इसी के साथ साथ इसमें काफी सारे अलाउंसेस भी जुड़ जाते हैं, जिसमें आपका एक हाउस रेंटल अलाउंस होता है लगभग 4000 के आसपास मिल जाता है, साथ ही ट्रैवलिंग अलाउंस होता है 3200 के आसपास मिल जाता है, और भी काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन जो आपको इन हैंड बेसिक सैलरी मिलेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के तुरंत बाद, वो आपके सभी अलाउंस जुड़ने के बाद लगभग आपको इसमें 46000 के आसपास मिलेगी इनिशियल सैलरी, इन हैंड सैलरी, ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ये सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में जब आप गौर से देखोगे, नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि आपका 20% भी जुड़ने वाला है। जो आपकी इनिशियल सैलरी मैंने आपको अभी बताई 46000, उसमें आपका 20% जुड़ के आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा। थोड़े और अलाउंसेस होते हैं, इसमें आपको काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। और जो आपकी फाइनल सैलरी है, यानी कि आप काम करते रहोगे पोस्ट के ऊपर, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वो आपकी लगभग 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी या फिर उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट है, सैलरी डेफिनेटली बहुत हाई इसके अंदर होती है। बात कर लेते हैं थर्ड डाउट के बारे में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। काफी सारे लोगों ने पूछा है कि भैया 2018 या 17 वाला जो एग्जाम होता उसकी कट ऑफ बताइए कैटेगरी वाइज, ताकि हम उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन का लेवल रख सके। तो मैं आपको बता देता हूं, जो टीयर फर्स्ट की लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 65 थी। ये टीयर फर्स्ट की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। ओबीसी की थी वो 60 थी, 100 में से 65 और 60 ओबीसी की थी। एससी कैटेगरी की 50 थी, एसटी कैटेगरी की भी 50 थी, नीचे फ्लैश हो रही है आप देख लीजिएगा। और जो टीयर टू की कट ऑफ थी वो भी आप देख लीजिएगा, ये 50 मार्क्स में से, क्योंकि टीयर टू डिस्क्रिप्टिव है, डेफिनेटली 50 मार्क्स में से बनेगी। अनरिजर्व कैटेगरी की 30 थी, साथ ही ओबीसी की 25 थी, एससी कैटेगरी की 20 थी, साथ ही एसटी कैटेगरी की भी 20 थी। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। अब आपको देख लेने कि आपको अपनी कितनी मेहनत से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इससे कहीं ज्यादा मार्क्स लेकर आओ। काफी अच्छा है कि आप अपना एक प्रॉपर टारगेट सेट कर लो कि लास्ट ईयर कट ऑफ ये थी, डेफिनेटली इस बार कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, टाइम भी चेंज हो चुके हैं, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो प्रिपरेशन को के ऊपर बिल्कुल भी आपको ढील नहीं छोड़नी है, तो आप देख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट
डाउट के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर। तो फ्रेंड्स बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, अब तक ये एग्जाम ऑफलाइन होता था यानी कि ओएमआर बेस्ड होता था, अब से ये ऑनलाइन मोड होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप चेक करोगे तो मैंने आपको टियर फर्स्ट 2018 या 17 वाला जो एग्जाम हुआ था वो मैंने पीडीएफ की फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बाइलिंगुअल है हिंदी इंग्लिश वालों के लिए, तो आपको टियर फर्स्ट मिल जाएगा। उसी के नीचे मैंने आपको जो इंग्लिश वाला पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टियर सेकंड, वो भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके चारों पांचों सेक्शन है वो किस तरीके से मिक्स होते हैं, क्वेश्चन सेपरेट होता है फिर किस तरीके से हो, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, डाउनलोड करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके चार डाउट क्लियर होते हैं। एग्जाम सिलेबस की, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम सिलेबस में आपको यहां पर एक एक टॉपिक तो डिस्कस करने से रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, वो किसी और दिन देखेंगे स्टडी बाय सेल्फ के ऊपर। तो आप नीचे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक एग्जाम सिलेबस का पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है 2017 वाले एग्जाम के रेफरेंस में कि उसका सिलेबस क्या था। इस बार भी यही सिलेबस रहने वाला है, नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, जो जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएंगे। फाइनली बात करते हैं सिक्स्थ डाउट की, जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, काम आपको क्या करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ना पता हो आईबी होता क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग होता है। अब ये पोस्ट आपकी ऑफिसर की तो नहीं है लेकिन असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट है, आईबी एसीआईओ, इसका मतलब क्या होता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि जो मेन ऑफिसर होता है आईबी के अंदर उसके आप असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। किन किन के असिस्टेंट के तौर पर, आप 7-8 साल लगातार काम करोगे उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, आप सेक्शन जो ऑफिसर्स होते हैं उनके एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, जैसे कि आपका इसमें होता है एक अंडर सेक्रेटरी एक पोस्ट होती है, इसके अंडर आप काम करोगे एज अ असिस्टेंट, डिप्यूटी सेक्रेटरी होता है इसके अंडर आप काम करोगे एज अ असिस्ट करोगे उनको, साथ ही एक डायरेक्टर की पोस्ट होती है, यानी कि ये सेक्शन ऑफिसर मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है उसका एज अ असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे। ठीक है, ये फिलहाल आप असिस्ट करोगे। और खुफिया विभाग के बारे में आप जानते होंगे, काम क्या होता है, जो प्रोफाइल इनकी क्या होती है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी ये सुना होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बड़े लेवल के कि एग्जाम वहां पर लीक हो गया या फिर किसी सेंटर के ऊपर सोल्वर गैंग पकड़ी गई, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर को बाहर सोल्व कर रहे थे वो पकड़ी गई। तो फ्रेंड्स ये काम भी कभी कभी आईबी ऑफिसर्स को दे दिया जाता है कि यहां पर पेपर लीक होने के चांसेस हैं, तो वहां पर उन आईबी ऑफिसर्स को लगा दिया जाता है। ठीक है, खुफिया तौर से जहां पर वो जांच करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, तो ये काम भी वो कर सकते हैं। साथ ही स्टेट लेवल के ऊपर भी आईबी काम करती है। ठीक है, वहां पर वो डायरेक्टली जो रिपोर्ट करेगा किसी स्टेट के लिए काम कर रही है आईबी किसी केस के ऊपर, किसी चीज की खुफिया तौर पर जांच कर रही है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो वो स्टेट के अंदर जो डिपार्टमेंट होता है उनको रिपोर्ट करेगी। ठीक है, वो आईबी ऑफिसर, तो ये पोस्ट होती है। बात रही आपकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है, आपकी मतलब जो जॉब होती है आपकी, आपको काम कब से कब तक, तो इसकी भी प्रॉपर शिफ्ट होती है, ऐसा नहीं कि आप एक तरफा लगातार 3-4 दिन काम कर रहे हो, नहीं, प्रॉपर शिफ्ट होती है, 9 to 5 हो सकती है, 9 to 6 होती है, एक्स्ट्रा वर्क इसमें नहीं होता, आप डिपार्टमेंट ऑफिस सेक्शन के अंदर भी काम करोगे और फील्ड के ऊपर भी आपको काम करना पड़ सकता है, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर वो आपको एज अ खुफिया मतलब जांच करनी हो किसी की, चाहे वो आपका एनसीबी ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके अंडर उनके लिए भी आईबी काम कर सकती है खुफिया तौर पर जांच करने के लिए, तो ये इसका प्रॉपर काम होता है। आप तो जानते होंगे यार, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट होती है आईबी की। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं साथ ही जॉब लोकेशन के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, जॉब लोकेशन डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर वैकेंसी आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पर आपको पोस्टिंग मिली है और कहां कहां तक वो सर्कल को कवर करता है। ठीक है, वैसे ऑल ओवर इंडिया इसकी होती है। नेक्स्ट है बेस्ट बुक के बारे में, यार काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि बेस्ट बुक। अब देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट बुक के ऊपर तो एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बन जाएगी, तो जैसे ही काफी सारे लोग का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे लोग मोटिवेटेड है एक्साइटेड है इस वैकेंसी के लिए तैयारी करने के लिए, तो मैंने फैसला कर लिया कि एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बेस्ट बुक के ऊपर लेकर आऊंगा, क्योंकि 2-3 दिन तो यार मुझे भी लग जाएगा एनालाइज करने में। अब तक जितने भी इसके एग्जाम हुए 2017 में, 2015, 2013, 2010, 2008, ठीक है, ये एग्जाम हुए इसके लास्ट ईयर में, मैंने इतना एनालाइज कर लिया, तो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करूंगा, बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रॉपर। ठीक है,
कि सब्जेक्ट वाइज मैथ्स के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें ताकि आप दो ढाई महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आएंगी, स्ट्रेटजी वगैरह वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वेट करते रहिए। बाकी टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर भी लेकर आऊंगा अगर आपकी डिमांड है तो। ज्यादा से ज्यादा यार लोग कमेंट करके बोलो कि बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए, और वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता लगे और मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड होकर एक्साइटेड तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपके ये सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम डेट, इनहैंड सैलरी वगैरह से, प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह मैंने आपको बता दी, जॉब प्रोफाइल काम क्या करना होता है, बाकी सभी चीजें मैंने आपको एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड करा ही दिया है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स बड़े लेवल की पोस्ट है यार, हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे लेवल का एग्जाम आना है। ऐसा नहीं कि उंगलियों पर एग्जाम को क्रैक कर लोगे, नहीं, अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो आपको यार कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कितने बड़े लेवल का एग्जाम क्यों ना, आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूंगा, क्योंकि 2017-18 वाला एग्जाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके डाउट आ रहे होंगे, और सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से आपको मिल जाऊंगा। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।